एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस चैनल का नाम है दया मैथ्स एनालिसिस एशियन के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियोस को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि आपको फेडरेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट को। वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन करने से पहले सबसे पहले टर्म्स की काउंटिंग कर ले। तो जब टर्म्स की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको थ्री टर्म्स मिलेंगे। फर्स्ट टर्म आपको ये मिलेगा, सेकंड टर्म ये मिलेगा और थर्ड टर्म यहाँ मिलेगा। तो चूंकि ये देख रहे हो कि मिडिल टू टर्म जो है वो ब्रैकेट में से इनक्लोज है और यहाँ बाहर एक्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करिए, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो टर्म जो है एक्स स्क्वायर, इसी एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या लिखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ध्यान रखना कि जब सेम बेस का होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे इसका पावर टू इसका पावर वन ऐड होकर के एक्स का पावर थ्री मिल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो ए एक्स क्यू लिख सकते हो आप, और एक्स का मल्टीप्लाई जब वन में करोगे तो आपको वैल्यू एक्स मिल जाएगी प्लस ए। अब यहाँ पे टर्म्स की काउंटिंग करेंगे तो टोटल फोर टर्म्स आपको मिलेंगे, और आपको करना क्या है कि आपको पेयर बना लेना है। लेकिन पेयर बनाते समय ध्यान ये रखना कि आप उनके साथ पेयर बनाइए जिनके साथ कुछ चीज़ें कॉमन आपको मिल जाए। कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें किसी एक टर्म में दिख रहा है वही चीज़ें कुछ उसके जैसी चीज़ें जो हैं दूसरे टर्म में भी मिलनी चाहिए। तो जो चीज़ें कॉमन होंगी उनको हम जो है बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप जो है इनके साथ अगर आप ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पे देखो इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो यहाँ पे इनके साथ हम ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो जब ग्रुप बना रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू, तो इनके साथ आपने ग्रुप बना दिया। और यहाँ पे आप ग्रुप बना दीजिए इसका एक्स और ए का, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करना है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है केवल आपको जो है प्लस या माइनस इन्हीं दोनों में से कोई एक यूज़ करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इनके साइन चेंज होएंगे, यानी निगेटिव एक्स और निगेटिव ए मिल जाएंगे। तो निगेटिव का मतलब होता है कि माइनस, तो यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस ए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस का साइन प्रेफर ना करके हम प्लस का साइन प्रेफर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हम चीज़ ये देखेंगे कि जो चीज़ें जिनका हमने जो है पेयर लिया है या जिनके साथ हमने ग्रुप बनाया है उनमें क्या क्या चीज़ें जो है कॉमन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अब यहाँ पे देखो मैं इस चीज़ को मैं जो है स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, मैं एक साथ चीज़ें बाहर निकल रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कि यहाँ पर मैं आपको ए की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर देखो ए का पावर टू है और यहाँ पर ए है, तो हम मैक्सिमम जो है केवल हम ए ही निकाल सकते हैं। तो जब ए को निकालेंगे तो यहाँ पे एक ए अंदर रहेगा, याद रखना ए और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि आपने सिर्फ अभी ए वाला चीज़ निकाल रहे हैं, आप केवल ए वेरिएबल ए का, मैं कोई चीज़ जो है डायरेक्ट में मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक एक स्टेप आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। और यहाँ से देखिए आपने ए निकाल चुके हैं तो यहाँ पर एक्स क्यू आपको मिल जाएगा प्लस। इनमें कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें एक्स है तो इसमें एक्स नहीं है, तो लेकिन कि न्यूमेरिकल कोफिशियंट वन जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी इसमें भी वन है और इसमें भी वन है, यानी एक्स वन टाइम्स आया हुआ है और ए भी वन टाइम्स आया हुआ है। तो आप यहाँ पे वन लिख देंगे तो भी जो है ब्रैकेट में एक्स प्लस ए ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ए वाला पोर्शन तो आप निकाल चुके हो, अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाला देखो, तो यहाँ एक्स का पावर टू है और यहाँ एक्स क्यू है, तो हम मैक्सिमम जो है हम एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा आपने एक्स स्क्वायर निकाल लिया है तो अब यहाँ पे केवल ए मिलेगा, और चूंकि इसका पावर थ्री है और आपने एक्स स्क्वायर निकाल चुके हो तो यहाँ पर आप सिंगल जो है एक्स का पावर केवल वन बचेगा। तो मैं यहाँ पर पावर लिखूँ चाहे ना लिखूँ, यहाँ पर पावर वन ऑलरेडी है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको देखना ये है कि ये जो चीज़ें मिल रही हैं, अब देखो ये रखना यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स में, यहाँ प्लस क्या कर रहा है इन दोनों को अलग कर रहा है। अब इसमें ये देखना कि क्या चीज़ें कॉमन आपको मिलेंगी, तो देखो यहाँ पे ए प्लस एक्स यहाँ भी मिला है और एक्स प्लस ए यहाँ भी आया हुआ है, तो ये जो चीज़ें जो हैं दोनों पार्टों में कॉमन है। तो जब इसको ए प्लस एक्स को अगर आप बाहर निकाल दें तो यहाँ पर आपको इन साइड में एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस वन मिल जाएगा इस तरीके से। तो जब इसी को ओपन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस एक्स मिल जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं।
उसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे टर्म्स की काउंटिंग पहले कर लें। टर्म्स की काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 टर्म्स आपको मिलेंगे। अब इसमें आपको ग्रुप बनाना है तो ग्रुप उनके साथ बनाइए जिनके साथ चीज़ें कुछ कॉमन मिल जाएँ। अगर ग्रुप आप इनके साथ बनाते हैं, इन दोनों के साथ, तो इसमें एक्स तो है ही नहीं है, तो आप क्या करें, इनका ग्रुप इसके साथ बनाइए और इसका ग्रुप आप इसके साथ बनाइए। तो जब हम इन टर्मों को फिर से रीअरेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स हमें मिल जाएगा। अब इनके साथ अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो ये ध्यान रखना कि दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है। तो देखो दोनों में x आया है तो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ x है, तो अगर हम केवल x निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, x माइनस वाई मिलेगा। अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको रिजल्ट में x का मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और x का मल्टीप्लाई माइनस वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई मिल जाएगा। अब इन दोनों में जो चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ y है जबकि इसके साथ y नहीं लगा हुआ है, तो लेकिन यहाँ देखिएगा न्यूमेरिकल कोफिशियंट 1 जो है दोनों में अवेलेबल है, यानी यहाँ पे नहीं 1 अगर न्यूमेरिकल नंबर नहीं लिखा है तो 1y ये भी है और ये 1x है, तो इन दोनों में केवल हम केवल 1 कॉमन कर सकते हैं। तो अगर हम 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स। अगर हम ब्रैकेट ओपन भी कर देंगे तो भी हमारा रिजल्ट वही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई वाई में करोगे तो भी आपको प्लस वाई मिल जाएगा और प्लस इंटू माइनस एक्स करेंगे तो आपको माइनस एक्स का रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है तो यहाँ देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई है जबकि वाई माइनस एक्स है, तो चीज़ें अभी सेम नहीं हुई हैं। जहाँ पे एक्स यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक्स क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है, तो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं अभी। तो इसको मैच करने के लिए ज़रूरी ये है कि अगर हम यहाँ के साइन को जैसे ही अगर बदलेंगे, यानी अगर हम बाहर का साइन बदल देते हैं, यानी इसको प्लस वन से माइनस वन कर देते हैं, तो यहाँ पे अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी जो माइनस एक्स दिख रहा है वो प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस वाई दिख रहा है वो माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं वैल्यू चेंज तो नहीं हुई है तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स मिल जाएगा और माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वाई में करेंगे तो प्लस वाई मिल जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर जो चीज़ें जो हैं वो एकदम सेम हो गई हैं, तो अब यहाँ पर चीज़ें सेम होंगे तो एक्स माइनस वाई को आप क्या करिए, बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, एज ए एक्स माइनस वन। तो आपको ये वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।